गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, क्लास 9 के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्या नाम था? परमाणु की संरचना। ये चैप्टर हो गया, इसकी बातें पूरी हो गई। आज हम चर्चा करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात आज की जाएगी। इस क्रम में देखो, सवाल नंबर 1 आपका है एनसीईआरटी क्वेश्चन का। पहला सवाल ये है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी की तुलना कीजिए। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तीन अवकलन में से आप ड्रा कर लेंगे। एक में लिख लेंगे परमाणु भार, एक में लिख लेंगे इसका द्रव्यमान, एक में लिख लेंगे आवेश, एक में लिख लेंगे प्रतीक, एक में लिख लेंगे खोजकर्ता, ऐसे करते चले जाएंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को ई से व्यक्त करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। इलेक्ट्रॉन पर आवेश निगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन आवेश। फिर निगेटिव आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम निगेटिव चार्ज। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम पॉजिटिव चार्ज और इस पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल चार्ज, कोई आवेश नहीं होता। ठीक, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? द्रव्यमान 9.1 × 10⁻¹⁹ इसका है इलेक्ट्रॉन का। देखो तो कितना आता है, 31 किलोग्राम, 9.1 × 10⁻¹⁹ किलोग्राम। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार कितना होता है? लगभग सेम, 1.67 × 10⁻¹⁹ किलोग्राम, 1.67 × 10⁻¹⁹ किलोग्राम। इस तरीके से इनके परमाणु, इनके गुणों की तुलना हो जाएगी। एक कॉलम और आप बना लेंगे, उसमें क्या लिख देंगे? खोजकर्ता। तो इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? थॉमसन ने। प्रोटॉन को किसने खोजा? देखो, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन को किसने खोजा? चैडविक ने। इस तरीके से बात हो जाएगी, ठीक, ऐसे कर लेना। सवाल नंबर 2 देखो, जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? ये आपसे कह रहा है। तो जे जे थॉमसन ने क्या बताया था? सबसे पहला परमाणु मॉडल इन्हीं का था। क्या था वो? प्लम पुडिंग मॉडल, यानी तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल था जिसमें ये बताया गया था कि परमाणु एक तरबूज के, जिस तरीके से तरबूज में उसके सीड धंसे होते हैं, उसी तरह से परमाणु में समस्त धनावेश फैला हुआ है और बीच बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। ये बात कही गई थी इसमें, थॉमसन ने। पहला थॉमसन के मॉडल की सीमा क्या है? तो पहली सीमा क्या है कि थॉमसन ने नाभिक के विषय में कोई जानकारी नहीं प्रोवाइड की थी कि नाभिक भी कुछ होता है, उस पर क्या चार्ज है, क्या कैसी उसकी अरेंजमेंट है, इस तरीके से कोई बात नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है? तो हमने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दी, थॉमसन के परमाणु मॉडल को गलत सिद्ध कर दिया उन्होंने। लेकिन जब रदरफोर्ड से ये पूछा गया था कि ये बाहर की कक्षक है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिर जाते, या इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इस बात को रदरफोर्ड द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था। ठीक, इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये सीमा हो जाएगी। सवाल नंबर 4 देखो, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करो। नील्स बोर का परमाणु मॉडल आपसे पूछ रहा है, तो इसको हमने लिखाया है नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। उसमें क्या क्या बातें आई की है नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में? कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में अगर जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं,
उच्च से निम्न में आते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, ये घूमते रहते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षक में परमाणु के चारों ओर, जिसको कोश कहते हैं। और फिर इसी में बात क्या आई थी कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहेगा, इसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन सभी नाभिक में नहीं गिरेगा। तो वहाँ हमने दो फैक्टर आपको दिए थे, एक दिए थे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक दिए थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक का नाम क्या था अपकेंद्र बल और एक का नाम क्या था अभिकेंद्र बल। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इस अध्याय में दिए गए परमाणु मॉडल की तुलना करो। तो तीनों परमाणु मॉडल की तुलना करनी है, रदरफोर्ड का, थॉमसन का और नील्स बोर का। ऐसे तीन का हम ड्रा कर लेंगे और फिर तीनों परमाणु मॉडल की जो जो बातें लिखी गई हैं वही आप कॉलम ड्रा करके लिख देंगे, तीनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 6 देखो। कह रहा है कि पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षक में इलेक्ट्रॉन वितरण नियम लिखिए। कह रहा है कि प्रथम 1 से 18 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपका सवाल नंबर 5 है। तो बच्चों 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें 1 से 18 तक पूछ रहा है, इसको आप लोग वहीं से कर लेंगे। ठीक, सवाल नंबर 6 देखो, सॉरी ये 6 था, सवाल नंबर 7 देखो। कह रहा सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये सवाल नंबर 6 था, कह रहा सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता को परिभाषित कीजिए या संयोजकता की परिभाषा दीजिए। दो एग्जाम्पल देने कह रहा है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हुए संयोजकता वैलेंसी की डिफिनीशन देने को कह रहा है, सवाल नंबर 7 सवाल नंबर 7 है। कह रहा सिलिकॉन और ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेकर स्पष्ट करो वैलेंसी को। तो हमने क्या कहा था, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसकी वैलेंसी कहेंगे, या क्या होगा वो सॉरी वैलेंस सेल कहेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और फिर क्या होगा कि वह इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ बंध बनाने में जितने इलेक्ट्रॉनों के भागीदारी करेगा, साझेदारी करेगा, इलेक्ट्रॉन की उसी संख्या को उसकी वैलेंसी कहेंगे। चलिए बात करते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बात करनी है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 2, 8, 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6 आया। ठीक है, अब सिलिकॉन का अष्टक पूरा नहीं है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सिलिकॉन क्या करता है, दूसरे परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, इन्हीं को शेयर पेयर में बदल देता है, साझेदारी कर लेता है, दूसरे के साथ कोई परमाणु है ए तो उसी के साथ ये शेयरिंग कर लेता है, तो क्या हो जाता है इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। चूंकि ये बंध बनाने में अंतिम के 4 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो सिलिकॉन की वैलेंसी सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी, 4। अब यहाँ आ जाओ ऑक्सीजन में 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर ले, सपोज दैट ए परमाणु है तो ए के 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो इसमें चेंज हो जाएगा 8 में, और जब 8 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अस्थायी। तो चूंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2। यहाँ लिख लेंगे संयोजकता, संयोजकता इक्वल टू इसकी 2, और यहाँ क्या लिख लेंगे संयोजकता, संयोजकता इक्वल टू यहाँ क्या 2। ये दोनों की बात हो गई। सवाल नंबर 8 देखो, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए
प्रमाण संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिकों को कोई दो उपयोग दीजिए। ये सवाल नंबर 8 संभव का आप कर ले जाएंगे। इसमें कह रहा है उदाहरण देते हुए प्रमाण क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक को देना है डिफिनीशन, फिर समस्थानिकों का उपयोग देना है। इसको हमने वहाँ टेक्स्ट में आपके दे दिया है, वहाँ से मार्कर दे दिया गया है, वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। सवाल नंबर 9 देखो, लिखा है सोडियम प्लस के पूरी तरह से भरे हुए के वाई एल कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 9 तेरा सोडियम प्लस चार्ज, सोडियम का सिंबल कितना होता, क्या होता है, एन ए। एन ए में इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, 11 का विन्यास करो तो 2 8 1, और जब एन ए प्लस की बात आती है तो यहाँ हो जाते हैं 10, इसका विन्यास होता है 2 8। और ध्यान रहे प्रोटॉन नहीं चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे। अब कह रहा है कि सोडियम प्लस में भरे हुए के और यल कोष होते हैं। देखो ये के है, ये यल है, यहाँ क्या है, के है, यल है, यम है। अब इस दशा में कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 इस सोडियम प्लस में भरे हुए यानी कि फुल फिल्ड के एंड यल सब सेल अवेलेबल है, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, इसकी व्याख्या करनी है। तो बच्चों देखो, जब सोडियम परमाणु था, उदासीन था, उसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन था, यम वाली कक्षक में ना तो आधी भरी है ना तो पूरी भरी है, इसलिए सोडियम रासायनिक क्रिया के दौरान इस इलेक्ट्रॉन को अपने बाहर कर देता है, तो यम वाली सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, केवल के और यल सेल बचती है। तो इस के और यल सेल में आप देख रहे हैं इसमें 2, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है। सो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम पॉजिटिव या आपका फुल्ली फिल्ड के और यल सेल रखता है, जिससे यह क्या हो जाता है, अस्थाई परमाणु के रूप में बन जाता है। ये सवाल नंबर 9 हो गया। सवाल नंबर 10 देखो, अगर ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक दिए गए हैं, चलो इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें औसत की बात है, तो औसत वाला सवाल तो आप लोग मैथ से भी मिल जाता है, आप लोग जानते ही होंगे इसका पैटर्न, चलो एक बार देख लो। तेरा अगर ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक, पहला दिया है Br 35 और 79, ये पहला दिया है Br 35 79, इसमें दिया है 49.7%, ये है, और फिर दिया है तथा Br 35 और 81, इसका परसेंटेज मिला है आपको 50.3, ये दिया है डाटा के रूप में है। तो ब्रोमीन प्रमाण के औसत प्रमाण द्रव्यमान की गणना करो, इसमें लिखा है ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले देखो, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। एक ब्रोमीन आपका 35.79 है और एक ब्रोमीन आपका 35.81 है। अब दोनों का क्या करते हैं, परसेंटेज लिख लो। एक है 49.7% और एक है 50.3%, यह दोनों की परसेंटेज वैल्यू हो गई, आंसर डाल लीजिएगा, ये दोनों की परसेंटेज वैल्यू हो गई, इसे बना लेना। इसके बाद देखो, अब यहाँ देखें ब्रोमीन का
औसत औसत परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखो फार्मूला, औसत निकालने के लिए क्या परसेंटेज है 50.7, क्या कर लेंगे 50.7 के देखो और क्या दिया है 79 है अपान 100 × 79 इधर आ जाएगा एक साथ। अब दूसरा क्या है, दूसरा जोड़ लो ना तो अधिक औसत मिलेगा 50.3 है अपान 100 × देखो कितना परसेंटेज इसका है कितना है 79 इसका 81 है। अब इसको देखो सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आप किया जाएगी देखो इतना आएगा 100 से डिवाइड करो इसको क्या आएगा ये 0.79 × 0.497 देखो ये आएगा और फिर प्लस 81 × 0.503 ठीक है। अब इसको गुणा कर लो, गुणा करके जोड़ लो ठीक है, गुणा करके जोड़ लेंगे अब जो यहाँ आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा क्या औसत प्रमाण द्रव्यमान यही आ जाएगा, दोनों का गुणा कर लो और फिर प्लस कर लो। ये हो गया सवाल नंबर 10। ऐसे ही 11 का भी सवाल है, सवाल नंबर 10 स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सवाल नंबर 11 भी ऐसे ही कुछ लगा है, सवाल नंबर 11 देखो कह रहा है एक तत्व यक्ष का प्रमाण द्रव्यमान 16.2 यूनिट है तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक यक्ष 8.16 और एक्स 8.18 ये कह रहा है का प्रतिशत क्या होगा ठीक है। तो जैसे देखो दो बना लीजिए, जैसे इसको बनाया था ऐसे दो बना लेंगे, ये भी यक्ष है ये भी यक्ष है, एक यक्ष का क्या है 8.16 एक का 8.18 है। अब कह रहा है कि मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा x प्रतिशत, तो इसका क्या हो जाएगा 100 − x प्रतिशत ठीक है। अब देखो औसत प्रमाण द्रव्यमान बराबर, अब देखिए कैसे लगेगा ये सेम इसी पैटर्न पे लगेगा, इसमें आपको घबराना नहीं है। देखिए औसत प्रमाण द्रव्यमान ऐसे लिखेंगे, औसत परमाण द्रव्यमान ये बराबर क्या हो जाएगा देखो x बाय 100 फिर गुणे 16 ये है जैसे उसमें किए थे ना वही सेम पैटर्न है, फिर प्लस 100 − x / 100 × 18 ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये पक्षांतर करेंगे क्या आएगा देखो 16.2 × 100 ये आ जाएगा 16.2 × 100 क्या हो जाएगा 16x + 1800 और फिर −18x ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व कर लो 18x को ट्रांसफर करो इधर आएगा 16 घट जाएगा क्या हो जाएगा 2x तो क्या हो जाएगा 2x = 1800 − 1620 इधर इसको ट्रांसफर करो एक पॉइंट घट जाएगा 10 − 16 = 20 तो 2x 1800 से 1620 घटाओ कितना आएगा 180 1800 − 1620 हाँ 180 हो गया। तो यहाँ देखो 2x = 180 x = 180 2 यानी कि कितना आ जाएगा 90 तो यहाँ लिख लेंगे क्या आ गया 16 की प्रतिशत मात्रा 90% हो गई देखो x 16 यहाँ लिखेंगे अतः x 8 16 की प्रतिशत मात्रा इक्वल टू 90 कैसे हो गया
x की वैल्यू 90 आई, यहाँ हमने इसको x माना, इसको 100 माइनस x माना है, x का मान 90 आया, तो ये x किसके लिए है, 816 के लिए है कि मात्रा 90%। तथा क्या हो जाएगा, x 818 की प्रतिशत मात्रा इक्वल टू 100 माइनस x, 100 माइनस 90 कितना आएगा, 10%। ठीक, ये इसका हो गया आंसर। सवाल नंबर 12 देखो, यदि किसी तत्व का z इक्वल टू 3 हो तो उसकी संवृत्तता क्या होगी, नाम क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से। सवाल नंबर 11 है, सवाल नंबर 11 था, 11 का स्क्रीनशॉट लो, यहां लिख लीजिएगा माना, तो सवाल ही दिया गया था आपका माना, माना करके यहां नीचे क्या लिख लीजिएगा, प्रतिशत, प्रतिशत। अब ये दोनों का परसेंटेज है, दोनों का सिंबल है, यहां तक आइएगा फिर यहां आ जाइएगा, ये हिसाब करने का तब इसको लिख लीजिएगा। अब चलो देखो, सवाल नंबर 11 कह रहा किसी तत्व का z बराबर 3 हो तो उस तत्व की संवृत्तता क्या होगी, उस तत्व का नाम क्या होगा, कह रहा z इक्वल टू 3 हो, z इक्वल टू 3 तो z बराबर e बराबर p, ये फार्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या पूछा होता 3 हो जाता, कह रहा कि z इक्वल टू 3 हो तो उस तत्व की वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी क्या होती है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, z बराबर 3 तो e बराबर 3, तो e इक्वल टू 3 है तो 3 का विन्यास करो 2 और 1। ठीक, आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही साझेदारी करते हैं, लेन देन करते हैं, तो यही एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हो जाता है, के या के वाली सर्कुल प्रिंट हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये z इक्वल टू 3 तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। अब परमाणु क्रमांक 3 वाला तत्व तो कौन है, लिथियम, ये है आपका लिथियम। ठीक, परमाणु क्रमांक 3 वाला तत्व तो लिथियम। ये 12 सवाल हो गए और इसमें 19 दिया है, चलो 12 क्वेश्चन आज हम बता छोड़ देते हैं, इतना आप लोग तैयार करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। इस तरीके से ये 12 क्वेश्चन आपके हो गए, उनका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक से बढ़िया से रिवीजन करो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है डिस्कस कर लो, ये चैप्टर खत्म हो जाए, इसके बाद 12 से फिर हम रिवीजन में आ जाएंगे, रिवीजन में आपको दोबारा करा देंगे, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप डिस्कस करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन 12 तक सॉल्व किया गया।